बात करेंगे भिंड से अहम खबर की, जहां ब्यूटी पार्लर आग में जलकर खाक हुआ। दमकल पहुंचने से पहले पार्लर जलकर खाक हुआ। आसपास की दुकानों में भी आग से नुकसान की बात कही गई है। पार्लर संचालिका ने लगाया आरोप, रंजिश में आग लगाने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली के हाउसिंग कॉलोनी की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर है भिंड से, जहाँ ब्यूटी पार्लर आग में जलकर खाक हुआ है। पार्लर संचालिका ने रंजिश के चलते आग लगाने का आरोप लगाया है। संवाददाता रवि रमन, क्या स्थिति फिलहाल जो आग लगी है ब्यूटी पार्लर में? संचालिका का कहना है कि रंजिश के चलते आग लगाई गई है। रीनू, मैं आपको बताऊं कि ये कल देर रात का मामला है, जहां पर जब दुकान संचालिका रानी साक जो है वो अपने दुकान को बढ़ाकर जब घर से निकल गई थी, अपने घर पास में ही महावीर नगर जो है वहां की रहने वाली है ये संचालिका, जब अपने ब्यूटी पार्लर में घर पहुंच गई, उसके बाद सूचना जाती है फोन पर कि आपकी दुकान में से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद आनन फानन में जब वो आती हैं और जब अपना शटर खोलती हैं तो देखती हैं कि आग बुरी तरह से धधक रही थी। और जो उसमें संचालिका रानी जो साक्ष हैं, उनका कहना है कि इसमें कीमती जो लहंगा चुनरी हुआ करती थी, चूंकि सारक का समय था, पूरा सामान इस समय जो किराए पे दिया जाता था लाखों का हजारों का, वो पूरा सामान इस समय स्टॉक में रखा हुआ था और बहुत अभी हाल ही में ये दुकान बनाई गई थी, तो इसमें करीब कई लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। और आरोप है वो कहीं ना कहीं पुराने विवाद के चलते सामने पड़ोसी पर लगाए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुंहबाद हुआ था हम लोगों के बीच, जिसके बाद हम दुकान खाली करने ही वाले थे कुछ दिनों बाद, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेट्रोल डालकर आग लगाने का जो आरोप है वो पास में ही जो पड़ोसी है उन पर लगाया जा रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची, तब तक पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी, और मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची है, जहां पर जो फरियादिया है वो रो रो कर बिलख रही थी अपनी दुकान को जलता हुआ देखकर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है, और ये देर रात का पूरा मामला है रीनू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन तमाम जानकारी के लिए। तो देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और आप ये देखिए कि संचालिका ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके पार्लर में आग लगाई गई है। और अब बात सिंगरौली की, जहां कोयला से लदा ट्रक पलट गया, ट्रक के अंदर फंसा ड्राइवर, मौके पर पुलिस बल मौजूद है, ड्राइवर को निकालने की कोशिश की जा रही है। सराय के गजराहिया गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर सिंगरौली से, कोयला लदा ट्रक पलट गया, ट्रक के अंदर फंसा ड्राइवर, मौके पर पुलिस बल मौजूद है, ड्राइवर को निकालने की कोशिश की जा रही है। सराय के गजराहिया गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। वहीं ग्वालियर में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग और प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। भोपाल भेजा जा रहा 1600 किलो मावा जब्त किया गया है, और ये माना भिंड के चार कारोबारी भोपाल भेज रहे थे। ये जो मावा है ये भिंड के चार कारोबारी भोपाल भेज रहे थे, खपाने की कोशिश की जा रही थी। और चूंकि आपको मालूम है त्योहार का सीजन है, और इस दौरान जो खाद्य सामग्री होती है उसमें काफी मिलावट देखी जाती है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। 1600 किलो मावा जब्त किया गया। वहीं भोपाल में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करते हुए अयोध्या नगर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फार्मा कंपनी मालिक को दुबई और उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर 30 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी, और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आरोपियों ने 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। महाराष्ट्र तमिलनाडु के खातों से इस रकम का ट्रांजेक्शन किया गया, और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में। बैतूल में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मैदान में पड़ी मिली महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। मौके से शराब की बोतल के टुकड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने FSL की टीम जांच में जुट गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, महिला की लाश मिलने से सनसनी फैली, कौन है महिला, कहां से यहां लाश पहुंची?
जी देखिए, महिला की जो जो शव मिला है उसका शिनाख्त हो गई है। महिला का नाम रामकली उइके बताया जा रहा है, जो जहां पर लाश मिली है उसके नजदीकी ही गांव सोनाघाटी, ग्राम सोनाघाटी की रहने वाली है। लाश काफी लहू लुहाने क्षतविक्षत अवस्था में है और संभावना ये जताई जा रही है, अभी जो आशंका जताई जा रही है प्राथमिक जांच के बाद, कि शायद उसके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। शराब की बोतल के टुकड़े मिले हैं और ये भी संभावना लग रही है कि शराब की बोतल को तोड़कर ही उसी से हत्या की गई है महिला की। फिलहाल FSL टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर लेकर पहुंची है पुलिस और मामले की जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका रिशु तमाम जानकारी के लिए। तो अब डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, जांच टीम मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है कि आखिरकार महिला के साथ जो वारदात हुई है उसकी जांच हो रही है। और अब बात करेंगे बालाघाट के, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ का शव बरामद हुआ है। वारा सिवनी वन क्षेत्र के सावंगी गांव के पास चंदन नदी से बरामद बाघ के शव को एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बाघ के शव में से पैर के पंजे सहित अन्य अवशेष गायब हैं। बहरहाल शिकार की आशंका जाहिर करते हुए वन विभाग ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी और दुर्लभ प्राणी टाइगर जो कि सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में है, और मुझे अभी घर में बैठा था, मैं लोगों से मिल रहा था, जैसे खबर आई कि टाइगर की डेथ हो गई है, मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ पहुँचा। और चूंकि मैं खुद वन प्रेमी हूँ, मुझे जैसे पता लगा कि सावक शेर का बच्चा ही मर गया, काफ़ी दुख हुआ। की टीम आएगी, हमारी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आएंगे और हमने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, देखते जांच में क्या निकलता है। सर बाघ के कुछ पंजे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि काफ़ी शव जो है वो डिकम्पोज हो चुका है और कोचिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो हम सारे एंगलों से जांच करेंगे। बालौदाबाजार में मारपीट का मामला सामने आया। राइस मिल संचालकों ने ड्राइवरों के साथ जमकर मारपीट की। चोरी का आरोप लगाते मारपीट की घटना हुई और ड्राइवर के शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए हैं। तीन संचालकों पर दर्ज हुआ मामला। भाटापारा ग्रामीण थाने का यह पूरा मामला सामने आया है। बालौदाबाजार से बड़ी खबर, ड्राइवरों के साथ मारपीट की घटना हुई है। ये SK इंडस्ट्री है यहीं भाटापारा में, वहाँ पर रात के समय कुछ ड्राइवर्स अपनी गाड़ी लेकर के गए थे अपना कुछ सामान लोड अनलोडिंग करने के लिए। वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ है, इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं और उसी को लेकर के इन्होंने ड्राइवरों के साथ में मारपीट की और अच्छी मारपीट की है। उसी तरतम में वो आए हैं यहाँ पर अपराध पंजीवत करवाने, जिसमें 294 वहीं छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता की फायरिंग का मामला। नितिन खंडेलवाल ने की फायरिंग, लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई गोली, पुलिस ने दर्ज किया मामला, निरस्त होगा लाइसेंस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां बीजेपी नेता की फायरिंग का मामला सामने आया। नितिन खंडेलवाल ने की है फायरिंग, लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की गई है, गोली चलाई गई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो लाइसेंस है अब उसे निरस्त किए जाने की बात कही गई है। मुरैना में बेखौफ बदमाशों की कानून को चुनौती, जहां घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे बदमाश, बाल बाल बचे घर के अंदर सो रहे लोग। CCTV कैमरे में रिकॉर्ड फायरिंग की तस्वीरें, स्टेशन रोड थाना इलाके में कृष्ण विहार कॉलोनी की पूरी घटना सामने आई है। तो देखिए मुरैना का पूरा मामला है, जहां खाकी को बदमाशों की चुनौती और इस दौरान मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने कानून को चुनौती देते हुए जमकर फायरिंग की है। खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला है। कार में सवार होकर बदमाश आए थे और जमकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। हालांकि घर में सो रहे लोग, बाल बाल बच्चे, पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हुआ है। तो स्टेशन रोड थाना इलाके का पूरा मामला है, खुलेआम फायरिंग का मामला, जहां बदमाशों ने कार से आकर एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इससे घर में सो रहे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। हालांकि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, ना ही कोई जख्मी हुआ, लेकिन बदमाशों के आतंक से ये साफ है कि कोई खौफ कानून का नहीं है। वीडियो आ गया है संज्ञान में और वो थाना प्रभारी को भी बता दिया है, उसमें व्यक्ति की पहचान हो गई है और उसमें शीघ्र वैधानिक कार्रवाई करेंगे। क्या वजह रही
देखिए पुराना जो भी उन विवाद रहा हो, व्यक्ति को जैसे ही पकड़ा जाएगा उसके बाद बाकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।